जो लोग अपनी जिंदगी में दान करते हैं वह इस वीडियो को जरूर देखें। कई दिनों के विहार के बाद भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को जब यह पता चला तो वे उनके लिए भेंट लेकर उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। लोगों ने बुद्ध को वस्त्र, खाद ये सब प्रदान किए। नगर के सेठों ने भी उन्हें धन आभूषण उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दाया हाथ हिलाकर उन्हें स्वीकार कर लेते थे। उसी भीड़ में एक वृद्धा भी थी। वह बुद्ध से बोली, भगवान मैं निर्धन हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे पेड़ से एक आम गिरा हुआ मिल गया, मैं उसे खा रही थी, तभी मैंने आपके प्रस्थान करने का समाचार सुना। उस समय तक मैं आधा आम खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इस आधे आम के सिवा कुछ भी नहीं है, इसे ही मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ। कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें। वहाँ पर मौजूद अपार जन समुदाय और राजा महाराजों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आ गए और उन्होंने अपने दोनों हाथ फैलाकर उस वृद्धा के आम को स्वीकार कर लिया। ये सब देखकर वहाँ के लोग आश्चर्यचकित हो गए और बुद्ध से पूछा, भगवान एक से बढ़कर एक हीरे जवाहरात और खाने के लिए अनेक चीजें, वो चीजें तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर ली, लेकिन इस बुढ़िया के झूठे आम को लेने के लिए आप अपने आसन से नीचे उतर कर आ गए, इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, इस वृद्धा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है। आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी दिया है वह तो आपकी संपत्ति का कुछ अंश ही है, और उसके बदले में आपने दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा है। इस वृद्धा ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है, और अभी भी उसके चेहरे पर कितनी करुणा और कोमलता है। अगर आप भी किसी को सच्चे मन और अपनी पूरी श्रद्धा से कुछ भी भेंट करें तो उसकी अहमियत कई गुना बढ़ जाती है।